टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे पीछे जो देख रहे हैं, एक बार फिर से हरजीत सिंह जी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी देर के बाद हरजीत सिंह जी सामने आए, चलिए जाने का प्रयास करेंगे आप किन किन मुद्दों को लेकर हरजीत सिंह सर आज सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करो, जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करो, में आप देख रहे हैं रियासत का दर्जा बहाल करो। स्टेट्यूट को लेकर हरदेव सिंह जी समय यहाँ पर प्रदर्शन करते बड़ी देर के बाद नजर आए हैं। चुनाव को लेकर भी ऐलान करने की बात की जा रही है। नौजवानों को रोजगार दो, डेली वेजेस को पक्का करो, गरीबों की जमीनें हड़पना बंद करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, हरदेव सिंह जी क्या नाराजगी है और क्या क्या सवाल है प्रधानमंत्री मोदी से। देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी का कश्मीर का दौरा है और ये कहा जा रहा है कि कई करोड़ों रुपया उस रैली के ऊपर सरकारी खजाने से खर्चा किया जा रहा है। हकीकत ये है कि ये भी एक पॉलिटिकल रैली है और इसमें सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी डिग्नेटरी हो। सर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक सियासी रैली है, क्योंकि जम्मू में भी ऐसी रैली हुई जिसमें करोड़ों रुपया खर्चा किया गया और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मुझे तीसरी बार फिर से बना दीजिए। उन्होंने ये कहा मुझे 370 सीटें दीजिए। प्रधानमंत्री से ये उम्मीद थी कि वो ये बात करते कि नौजवानों के लिए मैं क्या लेकर आया हूँ जम्मू कश्मीर के। उन्होंने कोई बात नहीं की। उनको ये बात करनी चाहिए थी कि रियासत का दर्जा मैं कब बहाल कर रहा हूँ। उन्होंने ये बात नहीं की। उनको ये बात करनी चाहिए थी कि असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे। उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने अपनी बात की और अपने लिए वोट मांगे, अपने लिए सीटें मांगी। वही कश्मीर में किया जा रहा है। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर से ऐलान कीजिए कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा फौरी तौर पर बहाल होगा और इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले पहले होगा। क्योंकि आप जब ऐलान भी करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि वो झूठे निकलते हैं। हमारा रियासत का दर्जा आपने क्यों छीना है, ये हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारी इलेक्शन क्यों नहीं हो रही है, जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया और खुद पेश हुआ चीफ जस्टिस की अदालत में। उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और आपने देखा होगा कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर भी ये ऐसी सरकार, पहली सरकार ऐसी आई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नकार रही है। हम ये मांग करते हैं कि आप कश्मीर में जब आए हैं तो आप ऐलान कीजिए कि 5 लाख कम से कम नौजवानों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का मैं ऐलान करता हूं यहां से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए। फिर हम मानेंगे कि आपका ये दौरा जो है ये ऑफिशियल दौरा है और आप जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए वाकई कंसर्न हैं। आप ये ऐलान कीजिए कि आप जो 62,000 डेली वेजर हैं जिनको पक्का करने के लिए आप 10 साल से नारे दे रहे हैं, उनको आप पक्का करते हैं, तब आप मानेंगे कि ये आपका एक ऑफिशियल दौरा है और आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वाकई में सही मायने में कंसर्न्ड हैं। आप ये ऐलान कीजिए कि बिजली और पानी के जो आपने ऐलान किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। आप टीवी में ऐलान करते हैं कि घर घर में जो है वो 24 घंटे बिजली है। कहाँ है बिजली मुझे बताइए। घर घर में नल लगाने की आप टीवी में कहते हैं, घर घर में नल लग गया है। हमारे गाँव में आज भी आप चले जाइए, वहाँ महिलाएं, हमारी माता और बहनें 20-20 किलो का बर्तन उठाकर सर के ऊपर 4-4 किलोमीटर पैदल चलकर पानी भरने के लिए जा रही हैं। स्कूलों में कहीं मास्टर नहीं है। आपने 10 साल हो गए लगभग, टीचर्स की भर्ती करना भी बंद कर दिया है। आप ऐलान कीजिए कि कल से ही वो भर्तियां खोली जाएंगी और जिन स्कूलों में स्टाफ की शॉर्टेज है, जहां बच्चे पढ़ नहीं पा रहे और सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं है, तो आप समझते हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ मजदूर का बच्चा पढ़ता है, इसलिए उन स्कूलों को टीचर्स नहीं दिए जा रहे हैं। लोगों की ज़मीनें आपने छीन ली हैं, गर्दोरियाँ काट दी गई,
लैंड रिकॉर्ड से उन गरीबों के नाम काट दिए गए जो उन जमीनों के ऊपर 50 साल से 60 साल से 100 100 साल से काबिज थे और उसी जमीन के ऊपर खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। उन जमीनों के ऊपर भी आपने बुलडोजर चलाए, क्या ये इंसाफ है? रोज नया कानून बनता है, कभी कहता है पेंशनें बंद कर दीजिए, कभी कहते हैं पेंशनों के लिए आपको नए डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, चार चार बार आप लोगों ने राशन कार्ड बदल दिए, रोजाना कभी आधार कार्ड कभी पैन कार्ड कभी इस कार्ड को इससे लिंक करो इसको इससे लिंक करो, लोगों को आपने इतनी मुसीबत में डाला हुआ है उससे आपको निजात दिलानी पड़ेगी लोगों को। हम कहना चाहते हैं एक बड़ा आंदोलन हुआ डेली वेजर्स का, तो कोई भी नेता, हम आपकी बात नहीं, कोई भी नेता, आप तो चलो आवाज उठा रहे हैं, उस समय आप भी उनके पास नहीं पहुंचे सर डेली वेजर, क्योंकि जितना मैं पहुंचा हूं इतना कोई नहीं पहुंचा है। 10 सालों से मैं सड़कों से उठा नहीं हूं और कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। जिन लीडर्स की आप बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं कि किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी को इनकम टैक्स का, एंटी करप्शन का, और वो नतमस्तक हो गए हैं, वो सीधा लेट चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। लोग कहते हैं मर गए हैं लीडर, लोग कहते हैं लीडर मर गए हैं, पैंथर पार्टी खड़ा होगी, और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कल प्रधानमंत्री महोदय जब आते हैं हम ये उम्मीद रखते हैं आप ऐलान कीजिए कि आप 5 लाख नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज जम्मू कश्मीर के यहाँ के नौजवानों को देखिए हम यहाँ इलेक्शन की अभी मैं बात नहीं करूंगा, पर इरादा है लेकिन लेकिन बिल्कुल आप लोगों को समझते हो, बिल्कुल समझते हैं, अभी पूछ रहे देखते हैं जब 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 नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद। लेकिन आज का हमारा मुद्दा जो ये है कि सब लीडर्स ने हथियार डाल दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, और सुनिए मेरी बात, सुनिए, जवाब भी सुना करो ना, जवाब सुना करो, सब ने हथियार डाल दिए हुए हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आपने देखा जब नरेंद्र मोदी जी की रैली यहाँ हुई जम्मू में, तो विपक्ष की पार्टियों के नेता भी वहाँ हाथ बांधे हुए खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पूछे कि आपने 10 सालों से जो वादे किए हैं उनके ऊपर क्या अमल दरामद आपने की है, वो पूरे क्यों नहीं हुए आज तक। आपने कहा था कि महंगाई की बहुत मार हो गई और आप महंगाई को ख़त्म करेंगे, आपने महंगाई को तो आसमान के ऊपर पहुंचा दिया। अच्छे दिन ये अच्छे दिन होते हैं, आपने गरीबों की पेंशनें बंद कर दी, आपने बीपीएल लोगों के काट दिए इस सरकार ने, रोज नया कानून बनता है, यहाँ के नौजवानों को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट का ऐलान किया गया, और एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए बच्चों को किसी को पटियाला, किसी को जलंधर, किसी को अमृतसर, और बच्चियों को वहाँ सड़कों के ऊपर रहना पड़ा। ये कानून बना रहे हैं आप, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूछे ना पूछे हर्षदेव आवाज उठाएगा, हर्षदेव लड़ेगा। आपने कहा लीडरों को ईडी का डर है, क्या ये तमाम नेता करप्ट हैं जिनको ईडी का डर है, क्या ये करप्ट नेता है तमाम? ये उनसे पूछे ना क्यों डर रहे हैं इतना, ये हाथ बंद कर खड़े होते हैं जो बोलता है आवाज दबाई जाती है, तो मतलब ये करप्ट है। विपक्ष क्या वहां गया, सत्ता पक्ष के नेताओं को, सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो विपक्ष अपने आप को कहते हैं वो भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है आज, वो भी वहां गए थे, वो उनकी रैली में वहां बैठ के उनके गुणगान कर रहे थे, उनके नारे लगा रहे थे। पूछिए आप जाइए, आप इनके पास जाइए, प्रधानमंत्री आपके जरूर जाइए, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि आप पूछें कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजाना सड़कों के ऊपर बैठने के लिए आपकी सरकार ने मजबूर किया है, और ये क्या बात सही नहीं है कि यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ नौकरियां दी गई हैं, क्या हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे? जनता एक बहुत बड़ा सवाल पर विश्वास, हमारे नौजवानों से नौकरियां छीन ली, हमेशा बेबाकी से बोलते हैं जनता विश्वास करे कि आने वाले समय में सियासत की रणभूमि में आपको हरदेव सिंह जी भी मिलेंगे। मैं तो खड़ा हूँ, कई सालों से लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा, अकेला रह जाऊंगा तब भी लड़ूंगा, तब भी लड़ेंगे सर, और एक दिन हो सकता है कि सारे लीडर मोदी के पीछे खड़े हों लेकिन मोदी के सामने मैं खड़ा हूँ। क्योंकि गलत नीतियां जो हैं उनकी, उनका डट कर मुकाबला मैं करूंगा, अन्याय के सामने हर्षदेव झुकेगा नहीं, सर कट सकता है ये झुक नहीं सकता। क्या बात है, ये हरदीप सिंह ने साफ तौर पर कहा चाहे विपक्ष पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे होगा, पर नरेंद्र मोदी जी के सामने अकेले ही सही हरदीप सिंह खड़ा होगा। नीतियां भाजपा
की जो वायदे थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए गए। डेली वेजर्स की बात करें, एसपीओस की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, लैंड ओनर्स की बात करें, रेबरे खेल की बात करें, रेबरे जंगलात की बात करें, आखिर बात करें तो किस किस की बात करें। एक का भी मसला अगर हल होता तो आज हम भी कहते वाकई कि वादा जो भाजपा ने वादा किया था 2014 में आज पूरा किया। पर उसी के चलते हरदेव सिंह ने साफ तौर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री का दौरा जम्मू में था, अब कश्मीर में भी है, तो वो देश के लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों, युवाओं के लिए खास करके कम से कम 5 लाख नौकरियां लेकर आए, डेली वेजर्स के लिए कोई प्रावधान लेकर आए कि असर 64 के तहत उन्हें परमानेंट किया जाएगा, तब बात बनेगी। चलिए सियासत है, कुछ भी हो सकता है। और ये पूरी तरह से कह रहे हैं कि सियासत की रणभूमि में हरदेव सिंह अकेला ही चेहरे पर खड़ा जरूर होगा। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या करवट लेता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।